Good morning, class. My name is Komal Srivastav from RKG Educational, B.Ed. third semester. Students, आज हम कॉमर्स में जीएसटी के विषय में अध्ययन करेंगे. छात्रों, आज हम जीएसटी के विषय में जानेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी, जीएसटी का क्या अर्थ होता है, जीएसटी की परिभाषा तथा जीएसटी कितने प्रकार का होता है. इस सब के विषय में आज हम अध्ययन करेंगे. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे जीएसटी का क्या अर्थ है, जीएसटी से आप क्या समझते हैं. छात्रों, जीएसटी जो है, जीएसटी का पहले तो हमें फुल फॉर्म पता होना चाहिए. जीएसटी, जैसे कि आप नाम से सुन सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु और सेवा कर, यानी जीएसटी को भारत का सबसे अधिक बहुप्रतीक्षित कर सुधार माना जाता है. यह एक अप्रत्यक्ष कर सुधार है जो राज्यों के बीच से करों की सीमा को दूर करता है और एक एकल बाजार का निर्माण करता है. छात्र, हम गुड्स एंड सर्विस के विषय में थोड़ा और विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे. जैसा कि हम देख सकते हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं कर. तो स्टूडेंट्स, यह एक अप्रत्यक्ष कर होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जिससे भारत का एकीकृत एकीकृत आम बाजार बन गया है. जीएसटी टैक्स एक गणतंत्र आधारित कर है जो केवल प्रत्येक चरण में मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है, क्योंकि इनपुट खरीद पर भुगतान किए गए इनपुट करों का क्रेडिट उपलब्ध होता है. इस प्रकार अंतिम उपभोक्ता जो है, वो केवल आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाए गए जीएसटी टैक्स का अनुदान करना होता है. छात्र, माल और सेवा कर जो है, आपका अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया था. यह अधिनियम 1 जुलाई 2017 को प्रभावी हुआ था. तो स्टूडेंट्स, हमने जीएसटी के विषय में, जैसा कि आप देखते हैं, आप जो भी आजकल शॉपिंग करने जाते हैं, आप मॉल से या कहीं से भी शॉपिंग करते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी बड़ी वस्तु, जैसे आपने फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये जो भी आपने शॉपिंग करी, तो उस पर एक टैक्स लगता है जो कि जीएसटी नाम से होता है. तो वही जो कर है, उसको हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के नाम से जान सकते हैं. वही हमारा टैक्स जो है, गुड्स एंड सर्विसेज जीएसटी टैक्स कहलाता है. अब हम लोग जीएसटी की परिभाषा के विषय में पढ़ेंगे. जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया. हिंदी में इसे वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है. हिंदी में हम इसे वस्तु या सेवा कर कहते हैं. इसके नाम से साफ हो जाता है कि इस टैक्स को माल और सर्विस पर लगाया जाता है. जो भी वस्तुएं हमें मिलती है तथा जो भी सर्विसेज होती है, उस पर इसको लगाया जाता है. यह देश भर में वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगने वाले जीएसटी की एक बड़ी खासियत यह है कि किसी भी एक सामान पर इसका रेट पूरे देश में एक जैसा होगा. कि जीएसटी में, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी वस्तु खरीदी है, तो उस एक वस्तु का जो है रेट जो है, आप कहीं से भी ले लेंगे तो उस पर वही जीएसटी लगेगा जहाँ से खरीदने पर एक जगह पर लग रहा है. यानी देश के किसी भी कोने में मौजूद कंज्यूमर को उस वस्तु पर एक बराबर टैक्स चुकाना पड़ेगा. जैसे आपने फ्रिज चाहे यहाँ से खरीदा है, चाहे आप लखनऊ से लीजिए, या फिर आप कहीं से भी लेते हैं, तो उस पर टैक्स जो है, जो आपका यहाँ पे जीएसटी लगेगा, उतना ही जीएसटी आप अलग शहर में भी, चाहे आप देश के किसी भी कोने में हैं, तो आप उतना ही जीएसटी उसे वहाँ से देंगे. तो स्टूडेंट्स, हमने जीएसटी का अर्थ तथा जीएसटी के परिभाषा के विषय में अध्ययन किया है. जीएसटी की ये कुछ इस प्रकार से संरचना होती है.
जैसे केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी, दोहरा जीएसटी। केंद्रीय जीएसटी जो होता है वो केंद्र वसूलता है, केंद्र के पास जाता है। जो राज्य जीएसटी है वो राज्य के पास जाता है। जो दोहरा जीएसटी है वो राज्य और केंद्र दोनों एक साथ वसूलेंगे। ये जो दोहरा जीएसटी कर है वो केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों के पास जाएगा। अब छात्रों हम लोग आगे बढ़ते हैं तथा जीएसटी के प्रकार के विषय में अध्ययन करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि भारत में जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं। सीजीएसटी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, सीजीएसटी द्वारा वसूला गया कर केंद्र सरकार को जाता है। जैसा कि सीजीएसटी हो गया, सीजीएसटी जो है वो कौन वसूलता है? सीजीएसटी द्वारा वसूला कर केंद्र सरकार को जाएगा। राज्य एक होता है हमारा एसजीएसटी, जैसे राज्य माल और सेवा कर। ये जो है ये किसके द्वारा वसूला जाएगा? ये राज्य सरकार के द्वारा वसूला जाएगा। एक हमारा आता है आईजीएसटी, एकीकृत माल और सेवा कर। ये टैक्स केंद्र द्वारा वसूला जाएगा, पर ये केवल एक राज्य से दूसरे राज्य में माल एवं सेवाएं भेजने पर लगेगा। जब ये वसूला तो आपका टैक्स जो है वो केंद्र द्वारा जाएगा, लेकिन जब एक राज्य से दूसरे राज्य में माल एवं सेवाएं भेजने पर ही ये आईजीएसटी टैक्स लगता है। ये विदेशों से व्यापार करने पर लगेगा। जैसे एक देश से सामान जब दूसरे देश में जाता है तो जो उस पर टैक्स लगता है वो कहलाता है आईजीएसटी, एकीकृत माल और सेवा कर। अब आता है हमारा केंद्र शासित प्रदेश का सामान और सेवा कर, इसे हम कहते हैं यूटीजीएसटी टैक्स, यूनियन टेरिटरी वस्तु एवं सेवा कर। ये टैक्स जो है देश के 7 केंद्र शासित राज्यों में लागू होता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रकार है इसमें कौन सा टैक्स कौन वसूलता है हमने उसके विषय में समझा। अब हम देखेंगे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर क्या होता है। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर हम किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, इसे हम शॉर्ट में सीजीएसटी भी कह सकते हैं। जो ये केंद्रीय वस्तु और सेवा कर है हमारा, ये जो है टैक्स अधिनियम 2016 के अनुसार सीजीएसटी जीएसटी का केंद्रीकृत हिस्सा है, जो वर्तमान केंद्रीय कराधान और शुल्क वसूलता है। केंद्रीय बिक्री कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, चिकित्सा और शौचालय निर्माण अधिनियम के तहत उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो जिसे सीवीडी कहते हैं, इसके अतिरिक्त कस्टम ड्यूटी और अन्य केंद्रीकृत कराधान, ये सब इससे वसूला जाता है। सीजीएसटी जो है जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर इसको कहा गया है। सीजीएसटी जो है वो मानक सेवाओं और वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। जो भी आपको जो भी हमें सेवाएं प्राप्त हो रही हैं तथा तो वस्तुओं की सेवाओं की जो आपूर्ति की जा रही है उस पर सीजीएसटी के कर जो है सीजीएसटी टैक्स वो लागू होता है, जिससे केंद्र सरकार के तहत एक विशेष निकाय जिसे केंद्र द्वारा समय समय पर संशोधित किया जा सकता है। जैसे ये हमेशा एक सा नहीं होता है, ये बदलता रहता है। जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर ये सरकार के द्वारा संशोधित किया जा सकता है किसी भी समय, या समय समय पर भी ये परिवर्तित होता रहता है। सीजीएसटी के तहत एकत्रित राजस्व केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ये जो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर है राजस्व सरकार के अंतर्गत आता है। इनपुट टैक्स क्रेडिट राज्य सरकारों को दिया जाता है। ये इसका उपयोग वे केवल सीजीएसटी के भुगतान के खिलाफ ही कर सकते हैं। जो उनके पास भी ये जब जाता है इसका पैसा, तो वो इसका भुगतान सिर्फ सीजीएसटी करके ही लिए करेंगे। अब आता है हमारा राज्य माल और सेवा कर, जिसे हम स्टूडेंट्स इस कर को हम एस जी एस टी के नाम से भी जान सकते हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया, ये केवल माल और सेवा, जो भी आपका माल और सेवा है उस पर लगाया जाता है, राज्य माल और सेवा कर SGST के नाम से जाना जाता है। SGST का GST का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह 2016 के GST बिल के अनुसार राज्य माल और सेवा कर के लिए है। राज्य प्राधिकरण के तहत विभिन्न कराधान और शुल्क एक समान कराधान के रूप में SGST द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो राज्य प्राधिकरण है उसके तहत ऐसे बहुत सारे कराधान और शुल्क हैं जो एक समान कराधान के रूप में SGST के द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं। इसमें एक समान कराधान SGST के माध्यम से राज्य प्राधिकरण के तहत वस्तुओं और सेवाओं के आंदोलन से संबंधित राज्य बिक्री कर, जैसे जो कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं है उससे राज्य की जो तो राज्य जो हमारा क्रय करता है, बिक्री करता है, तो उसमें जो है राज्यों की कर, जैसे लग्जरी टैक्स हो गए, मनोरंजन कर हो गए, लेवीज, लॉन लॉटरीज हो गई आपकी, एंट्री टैक्स हो गया, ऑक्स्ट्रॉय और अन्य कराधान का समामेलन इसमें शामिल है। ये सारे जो कर हैं वो राज्य माल और सेवा कर में आ जाते हैं। SGST के तहत एकत्र राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। ये जो SGST है वो राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। हालांकि राज्य राशि निकाय के मुख्य ढांचे की निगरानी केंद्र सरकार के द्वारा की जाएगी। इसकी जो है निगरानी कौन करता है, वो केंद्र सरकार ही करती है। प्रत्येक राज्य में SGST एकत्र करने के लिए अपने स्वयं के राज्य प्राधिकरण होंगे। जो जैसे प्रत्येक राज्य हो गया है तो उसमें SGST कर का जो है SGST कर को एकत्र, मतलब उसको कलेक्शन करने के लिए, उसका कलेक्ट करने के लिए उनके राज्य के स्वयं के राज्य जो है वो खुद प्राधिकरण होंगे। वो खुद ही उसको एकत्र करके केंद्र और राज्य सरकार के पास पहुंचाएंगे। इस प्रकार से हमने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर तथा राज्य माल और सेवा कर CGST और SGST के विषय में जाना। अब स्टूडेंट्स, हम एकीकृत माल और सेवा कर के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एकीकृत माल और सेवा कर, इसको हम लोग IGST भी, IGST के नाम से भी जानते हैं। एकीकृत माल और सेवा कर जो है वो एकीकृत माल GST जो है वो एकीकृत कर एक राष्ट्र की अवधारणा पर केंद्रित होता है। IGST का मतलब एकीकृत माल और सेवा कर है। IGST का मतलब आप लोग क्या समझते हैं, एकीकृत माल और सेवा कर, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी कोई भी वस्तु या माल एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक देश से दूसरे देश में जब जा रहा है तो उसे IGST कर उस पर लगाया जाता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं की सेवाओं की आपूर्ति पर यह कर जो है वो लगाया जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, जैसे यदि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति होगी, जैसे मान लीजिए कोई भी माल या कोई भी वस्तु आपकी गुजरात से अगर महाराष्ट्र जाएगी एक राज्य से दूसरे राज्य, तो उस पे IGST कर जो है वो लागू होगा। उस वस्तु पर हमारा कौन सा कर लगेगा, उस वस्तु पर IGST कर लगेगा। स्टूडेंट्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 269A के तहत GST व्यवस्था के तहत वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही करने वाले अंतरराज्य व्यापार और वाणिज्य गतिविधियों को एक एकीकृत कर के साथ लगाया जाएगा। भारत द्वारा IGST के तहत राजस्व एकत्र करेगी, जो IGST है उसको कौन एकत्र करेगा, राजस्व सरकार एकत्र करेगी। गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा भी इसमें बदलाव किए जा सकते हैं।
इसके जो बदलाव हैं वो जीएसटी काउंसिल काउंसलिंग के द्वारा भी इसमें जो है आईजीएसटी कर में कुछ भी चेंजेस जो है वो किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हम चौथा और लास्ट जो कि आपका है केंद्र शासित प्रदेश का सामान और सेवा कर जिसे यूटीजीएसटी भी हम लोग कहते हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं जैसा कि हमने पहले ही सीजीएसटी और एसजीएसटी के बारे में जान लिया है ये कौन कौन से कर होते हैं और अंतर्राज्य कराधान है और आईजीएसटी जो कि अंतर्राज्य है जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान में जाने में लगाते हैं। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों को एक विशेष कराधान के तहत केंद्र शासित प्रदेश माल और सेवा कर के रूप में जीएसटी नियम 2016 के अनुसार जिम्मेदार माना जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में एक समान कराधान के साथ विभिन्न कराधान लेवी और कर्तव्यों का निर्वाह कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम ये देख सकते हैं यूटी जीएसटी जैसे कि दिल्ली भारत की राजधानी क्षेत्र, दिल्ली भारत की राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ दादरा और नगर हवेली अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दमन द्वीप लक्षद्वीप पांडिचेरी भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेश हैं। यूटी जीएसटी जो है वो भारत में इन केंद्र शासित प्रदेशों के तहत सभी कराधान के लिए जिम्मेदार होगा। यूटी जीएसटी अधिनियम के नाम से केंद्र शासित प्रदेश को जीएसटी लागू करने और पर्यवेक्षण के लिए संसद एक अलग अधिनियम को लागू करने के लिए तत्पर है। इसके लिए एक अलग से नियम लागू किया जा सकता है। जीएसटी के कार्यान्वयन में और बदलाव के लिए विधेयक को संबंधित केंद्र शासित प्रदेशों में पेश किया जा सकता है। अब स्टूडेंट्स हम लोगों ने इसी प्रकार जीएसटी के जो हमारे चार प्रकार से होते हैं उनके बारे में जानना है। ये सारे कर को कैसे निर्धारित किया जा सकता है जीएसटी ये सब जो है राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं। तो इस प्रकार जो भी अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग कर लगाए जाते हैं उनके विषय में हमने अध्ययन किया। यहाँ पे छात्र देख सकते हैं आप जीएसटी दूसरे राज्य की बिक्री में यदि कोई दूसरे राज्य से बिक्री या कुछ भी कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगेगा। अपने राज्य में सीजीएसटी और एसजीएसटी कर लगता है जिसके विषय में अभी हमने पिछली स्लाइड में अध्ययन किया है। अब स्टूडेंट जीएसटी की कुछ विशेषताएं भी हैं जो इस प्रकार से दी गई हैं। जीएसटी को वस्तुओं और विनिर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान का जो कर की वर्तमान अवधारणा है उसके एवज में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाएगा। जीएसटी उत्पत्ति आधारित करारोपण के वर्तमान सिद्धांत के बदले में गंतव्य आधारित उपभोग करों के सिद्धांत पर आधारित होगा। तो ये इस प्रकार से आप जीएसटी की विशेषताओं के विषय में जान सकते हैं कि ये विभिन्न वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर जो कि कर की वर्तमान अवधारणा है जो कि 2016 से स्टार्ट हो चुका है उस पर लगाया जाएगा और इसके करारोपण में वर्तमान सिद्धांत के बदले गणतंत्र को आधारित वो करारोपण के सिद्धांत पर आधारित होगा ये कर। एक टैक्स जैसे कि एक्साइज वैट एंट्री टैक्स जैसे टैक्स खत्म हो गए हैं। इसमें एक रेट होता है जैसे किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर पूरे देश में एक ही टैक्स की एक दर होगी। जैसे ये जो भी प्रोडक्ट है उन पे ये निश्चित कर दिया गया है कि इस प्रोडक्ट पर इतना टैक्स लगेगा। तो आप उसको कहीं से भी देश में खरीद लीजिए देश के किसी भी कोने से खरीदने पर उस पे एक ही दर लागू होगी। दोहराव जो है वो खत्म हो जाएगा। इससे एक प्रोडक्ट पे सिर्फ एक ही बार टैक्स लिया जाएगा ये नहीं आपसे बार बार वसूला जा रहा है टैक्स। एक रिटर्न सिर्फ एक टैक्स होने से रिटर्न भी एक ही होगा। खर्च घटेगा एक टैक्स होने से तमाम सरकारी विभाग की जरूरत नहीं होगी।
जब एक टैक्स कट जाएगा तो हमें उस पे और भी कोई विभागों में या और भी कोई जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उनमें जाके टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ हमारा CGST और जो भी SGST टैक्स है या जो भी GST IGST टैक्स जो कि अन्य राज्यों और देशों पे लगाया जाता है वो हमारा एक ही बार जिन भी वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धि होगी उस पर एक ही बार में कर की दर निर्धारित करके लगा दिया जाता है। उसमें बार बार आपको कर देने की जरूरत नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने GST प्रकरण में GST का अर्थ, GST की परिभाषा तथा आपके कौन कौन से GST की संरचना, GST के प्रकार तथा GST की विशेषताओं के विषय में अध्ययन किया है और GST के क्या क्या लाभ हैं तथा उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं ये आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगली कक्षा में नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम GST कर को कैसे निर्धारित कर सकते हैं तथा GST का क्या महत्व है इसके विषय में अध्ययन करेंगे हम। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे। Thank you.